हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। कल हम लोगों ने 11th के जर्नी में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के क्रम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटर कर लिया था और हमने वहां से कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, जो कि हमने 10th में भी पढ़ रखी थी। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके रिवाइज भी कर सकते हैं, पर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। और आज हम लोग इसके 11th क्लास में इंटर करेंगे और जो बातें हमने कल यहाँ पे लिख रखी थी, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने मैथमेटिकल टूल्स के जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल टूल्स आज हम लोग स्लोप के कंसेप्ट को दोबारा से देखेंगे। हालांकि हमने फॉर्मूला ले आया था स्लोप स्मॉल एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के वो कैलकुलस का रूप लेने वाला है, और कैलकुलस वो पिलर है जिस पे हमारा पूरा पढ़ाई, पूरा 11th 12th का फिजिक्स और लगभग मैथ, मतलब 70% मैथ टिका हुआ है। तो वो में उसमें एंट्री दिलाने का वो एक छोटा सा फॉर्मूला था जो हमने कल देखा था। हम चीज़ों को फिर से समझेंगे, पर आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम एक दो चीज़ और देख लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगल्स। एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, व्हाट इज एंगल? तो जैसे ही हम ट्रिगो में आते हैं, जैसे ही हम कोऑर्डिनेट में आते हैं, एंगल का कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने पुराने और कंसेप्ट, क्योंकि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पुराने से नए को रिलेट करेंगे। तो पुराने में हमने जो एंगल पढ़ा था वो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, ज्योमेट्री में, और अभी हम जो एंगल पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री मैंने अभी तक पूरा नहीं पढ़ाया है क्योंकि कोऑर्डिनेट पढ़ाने के बाद आपको ग्राफ का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर ट्रिगो पढ़ाने में ग्राफ भी बताया जा सकेगा आसानी से, इसलिए मैंने ट्रिगो को बाद में रखा है। पर ट्रिगो एटमोस्ट ज़रूरत का चीज़ है, वो कभी भी पढ़ाया जा सकता है। तो ज्योमेट्री के एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स, ज्योमेट्री के एंगल्स क्या होते थे कि जैसे कि मैं, मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करा और इस लाइन के ऊपर मैंने एक लाइन और ड्रॉ करा और मैं उसे घुमा सकता हूँ। आप ऐसा समझें कि मैं एक डंडा ले रहा हूँ और उस डंडे को मैंने एकदम फिक्स कर दिया दोनों तरफ कील लगा के, उसके ऊपर लेकिन मैंने नट से एक डंडे को कसा जिसे मैं चाहूँ तो घुमा भी सकता हूँ। इस दूसरे डंडे को मान लीजिए मैं इसके ऊपर अभी रखे हुआ हूँ तो कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। फिर मैं इसे घुमाना शुरू करता हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, 0 से एंगल बढ़ रहा है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक आके 90 डिग्री, 120, 110, 120, 140, 150, ऐसे करके 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस 360 डिग्री। तो ज्योमेट्री का जो एंगल है वो अगर एक बार हम पूरा घूम जाएँ तो 0 से 360 के बीच में वैरी करता है, 0 से 360 के बीच में। आपने उधर घुमाना शुरू किया था, आप अगर ऐसे भी घुमाते तो एंगल 0 से 360 के बीच में होता। एक बार घुमा के आप वापस आ गए, फिर आप घुमाना शुरू कीजिएगा, फिर वही 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा 0 पे और फिर 0 से 360 वैरी करेगा। तो इस तरह से वेरिएशन चलते रहता है, पर आपका एंगल कभी भी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं होगा। ये हमारे एंगल की खासियत होती थी ज्योमेट्री में। पर जब हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो फिर से हमने वही सेटअप करा, एक डंडे को पूरा फिक्स कर दिया कील लगा के, ठोक ठोक के, और एक दूसरा डंडा नट से कर दिया कि वो पाइवोटेड है, वो घूम सकता है। तो जैसे हमने घुमाना शुरू किया, हमने एक चक्कर लगाया 360 डिग्री, हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप आइएगा और फिर दोबारा एक चक्कर लगाने के बाद आप 30 डिग्री और बनाइएगा, तो ज्योमेट्री में ये भले 30 होता पर यहाँ पे ये 390 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ट्रिगो में एंगल जोड़ दिया जाता है, जुटता है, और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चल जाए कि वो कितनी बार घूमा है, वो कैसे हुआ है, उसमें कभी नहीं पता चलेगा। उसमें 50 बार घूम गया है फिर भी आप बोलेंगे 0 डिग्री है, एक्चुअली वो 50 बार घूम चुका है पर वो आपको लगेगा कि 0 डिग्री है। पर इसमें 50 बार अगर घूमा है तो वो कैलकुलेशन साथ में हो रहा है, तो 50 बार अगर घूमेगा तो 360 × 50 करना पड़ेगा, तो ऐसे होगा। फिर साथ ही साथ इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कैसे घूम रहा है। अगर आप ऐसे से ऐसे आए
तो 360 डिग्री, या यहाँ से यहाँ तक गए तो 390 डिग्री। तो आप अगर ऐसे से यहाँ तक आते, इधर नीचे तक ऐसे घूम करके आते इस तरफ तक, तो -390 डिग्री हो जाता, -390 डिग्री हो जाता। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव। ये हमने कल भी देखा था कि माना ही ऐसा गया है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये एंगल के कंसेप्ट्स हैं। ज्योमेट्री में एंगल 0 से 360 के बीच में वैरी कर सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो एंगल है, जो एंगल हम पढ़ेंगे, जो एंगल होने वाला है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। माइनस 1 लाख डिग्री भी हो सकता है, माइनस 2 लाख डिग्री भी हो सकता है, 1000 डिग्री भी हो सकता है, 3000 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 720 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब दो बार घूमा गया है, क्योंकि 360 में तो एक बार घूम गया होता, तो 720 में दो बार घूम गया गया है। तो इसीलिए ये बेसिक डिफरेंस है जब हम ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री में स्विच करते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल लगातार हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा भी था कि टैन थीटा आ गया था, तो टैन थीटा जिस समय मैंने लिखा होगा अपने आप ट्रिगोनोमेट्री आ गया होगा, तो भाई उसके स्टाइल से ही हमें चलना पड़ेगा, और उसका स्टाइल एंगल के मामले में ऐसा है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो एंगल के मामले में आपको ध्यान रखनी है। फिर स्लोप का अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एंगल का कंसेप्ट अगर हम समझ गए हैं, तो हम स्लोप की बात को, जो हमने स्लोप की बात करी थी कल, वो हम दोबारा से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्लोप किसे कहते हैं, व्हाट इज स्लोप। कोई भी लाइन का स्लोप हम किसे कहेंगे। स्लोप केवल लाइंस के डिफाइन नहीं होते, कर्व्स के भी डिफाइन होते हैं, पर कर्व पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फिर से। ठीक है, तो क्या मतलब है किसी लाइन के स्लोप का। तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, हमने देखा था ये रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। तो स्लोप के लिए आप ये बात ध्यान रखें कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, वो एंगल नहीं, उस एंगल का टेन थीटा को हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, उस एंगल के टेन थीटा को हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं। और मैंने कल बताया था कि टेन थीटा को ही क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट की भाषा ही वही है, एक्स और वाई, है कि नहीं। तो टेन थीटा को ही हम उस लाइन का क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि स्लोप तो हमें मिल गया था, हमने स्लोप का फॉर्मूला भी पढ़ा था कि स्लोप का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लें x1 y1, फॉर्मूला निकालना कोई बहुत भारी बात नहीं है, इसे याद रखने की चिंता करने की कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, आप समझ के रख लें। और ये सब बातों को आप जब मन तब मन में डिराइव कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये y2 हुआ, ये y1 हुआ, y2 - y1, ये x2 हुआ, x1 y x2 - x1, तो ये स्लोप मिल गया p/b। ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं, मन में जब मन तब डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद रह सकते हैं। तो x1 y1, और यहाँ हो जाएगा x2 y2, तो ये हम यहाँ से देख लें, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, y2 - y1 ये, x2 - x1 ये, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा का वैल्यू आएगा y2 - y1 / x2 - x1, और इसे हमने लिख लिया था Δy / Δx। और ये जो हमने लिखा था, इस बात को एकदम अपने प्राणों में बसा लेना है, क्योंकि ये चीज़ ही आगे चल के कैलकुलस बन जाएगा। ठीक है, हमने ये समझ लिया था, हम इसे अभी भी समझ लिए हैं, और हम इसे समझ के ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्लोप की अगर कुछ बातें करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता चला कि किसी लाइन का स्लोप 1 है, किसी लाइन का स्लोप 1 है, तो मैं बता दूंगा कि अच्छा, लाइन का स्लोप 1 है, यानी टेन थीटा 1 है, यानी थीटा 45 डिग्री है, यानी वो लाइन 45 डिग्री एंगल बना रहा है। बहुत अच्छी बात, हमने गेस कर दिया। अगर किसी लाइन का स्लोप 1/√3 है, तो हमें पता है कि वो लाइन 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अगर किसी लाइन का स्लोप √3 है, तो हमें ये भी पता है कि वो लाइन
60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके जो जाने पहचाने एंगल्स हैं, जाने पहचाने जो रेशियोस हैं, उस पर हम सारी बात अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि मैं आपको बोल दूं कि स्लोप 3/2 है, इसका टैन आपको कहाँ पता, तो एग्जैक्टली तो हम कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं एक्चुअली, पर एक अंदाज़ा लगाना कि हाँ इतने से इतने के बीच में हो सकता है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पे ये लाइन है। मान लीजिए जब ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा तो स्लोप 1 होगा। तो सोचिए अगर मेरा स्लोप 0 से 1 के बीच में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल बन रहा होगा वो 0 से 45 डिग्री के बीच में बन रहा होगा। ठीक है, 0 से 45 डिग्री के बीच में बन रहा होगा, अच्छी बात है। फिर अभी हम लोग डिग्री में ही चलेंगे, बाद में हम लोग रेडियन में एंगल देखेंगे। फिर अगर यहाँ पे आ जाए हम, तो मेरा स्लोप जैसे ही 1 से इन्फिनिटी है, 1 से लेके नॉट डिफाइंड तक जब हमारा स्लोप है, तो हम समझ जाएंगे कि 45 से 90 के बीच में एंगल बन रहा है। उसी तरह जब हम इधर जाते हैं तो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाता है, हमारा स्लोप नेगेटिव रूप ले लेता है अगर हम इस तरफ जाते हैं तो। इस तरफ टैन थीटा नेगेटिव हो जाता है, और ये नेगेटिव कैसे हो जाता है ये हम लोग आगे तो देखेंगे। अभी मैं आपसे कुछ याद रखने कहूँगा, जो कि बिल्कुल याद रखना ठीक रहेगा क्योंकि आगे हम इसे देख लेने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा टैन थीटा का ग्राफ है, इससे डरने वाली बात नहीं है, ये आपके जीवन को और आसान बनाएगा। फॉर्मूला से अगर हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो वो इतना कष्टकारी है कि हमें हमेशा एक तो डर है कि फार्मूला कभी भी भूल सकते हैं, और दूसरा डर है कि वो कष्टकारी है फार्मूला कहाँ कौन सा लगेगा, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है। तो हम लोग ट्रिगो ज़्यादातर ग्राफ से ही पढ़ेंगे, हम लोग ग्राफिकली चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे कंट्रोल करेंगे, ग्राफ पे कमांड करेंगे, और ग्राफ चीज़ों को कितना आसान बनाता है ये हमारे पहले सेक्शन में ही हम लोग को क्लियर हो जाएगा, हम लोग को अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो आप देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में ये देखिए स्लोप पॉजिटिव है, टेन थीटा है ये। ठीक है, यहाँ अगर लिखूँ तो यहाँ 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसके सामने ये जो वैल्यू है ये 1 है। तो और ये 90 डिग्री का मार्क है, ठीक है, 90 डिग्री का, और ये 180 डिग्री का मार्क है। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है वो 1 है, 90 डिग्री पे ग्राफ देखिए नॉट डिफाइंड, ये कहाँ टच करा है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, इसका हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर जाके कहीं मिला होगा हमें नहीं पता, वो नॉट डिफाइंड है, वो इंसानियत को पता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, 90 डिग्री पे, फिर 180 पे फिर से स्लोप 0 है, और हमारा जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा एंगल हम कभी बनाने नहीं वाले, 180 से ज़्यादा एंगल का हमें कभी काम नहीं पड़ने वाला। तो आप ये जाने पहली बात कि अगर किसी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, अगर किसी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वो जरूर 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल बना रहा होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर किसी के ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, आपने स्लोप निकाला, कैसे भी निकाला, आपको कोई बता दिया, कैसे भी हुआ, अगर आपने स्लोप निकाला और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपके जो आपका जो एंगल बना रहा है वो लाइन वो 0 से 90 डिग्री के बीच में बना रहा है। और आप गेस करिए अगर ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में बन रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बन रहा है, और स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव, और हमने बता दिया है कि 180 से डिग्री से ज़्यादा एंगल बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं, और चलिए इसको थोड़ा मन में विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा एडवेंचर करते हैं आज, है ना। देखिए ये मान लीजिए वो एक्स एक्सिस है और ये मेरा लाइन है। ठीक है, तो मैंने लाइन अगर ऐसे रखा है, लाइन को आप ऐसे समझिएगा, ये लाइन अगर मैंने ऐसे रखा है, या मैं कोई और एक मार्कर ले लेता हूँ, तो मान लीजिए ऐसे है, तो देखिए ये एंगल अभी कुछ है, तो मैंने ऐसे रख रखा है, अभी स्लोप 0 डिग्री है, सॉरी 0 है, 0 डिग्री पे 0 ही होता है, पर 0 है स्लोप, लेकिन मैंने अगर इसे ऐसे बढ़ाना शुरू किया तो स्लोप बढ़ रहा है, 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 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी ये 90 हो रखा, अब देखिए अब जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जाना है आपको, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए 90 से ज़्यादा होने लगा, 120 120 120 ऐसे करके ये 180 तक आ गया,
यानी जब हमने ऐसे रख रखा था, 0 डिग्री था, स्लोप बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, 90 हुआ, 90 से हो करके ये ऐसे 180 हुआ। उसके बाद जैसे ही आप और घुमाएंगे, अब तो आपको ये एंगल नापना पड़ेगा ना, आप ऐसे थोड़ी उधर जा करके ऐसे एंगल नापेंगे कि 180 क्रॉस करेगा, आप तो अब ये एंगल नापने लगेंगे, तो फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम स्लोप का जो एंगल लेंगे वो हमेशा 0 से 180 के बीच में निर्भर करेगा। स्लोप का एंगल 0 से कम नहीं होगा और 180 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 0 से 180 के बीच में हमारा स्लोप का सारा एंगल का काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो 0 से 90 डिग्री के बीच एंगल है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो 90 से 180 डिग्री के बीच का एंगल है। आपसे किसी ने कहा कि स्लोप 1/2 है, स्लोप 1/2 है, बोला एंगल गेस करो, एंगल एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं, वो तो कैलकुलेटर से ही होगा, एंगल गेस करो, तुक्का मारो एंगल। तो हमने कहा कि अच्छा तुक्का मारना है, तो हमने देखा स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल रहा होगा वो एक्यूट एंगल रहा होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग ना थोड़ा और चलने लगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये क्या गेस हुआ कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, हम और एग्जैक्ट तुक्का मारना चाहते थे, एग्जैक्ट तुक्का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन कर रखा था उसमें ये था क्वेश्चन, ऑप्शन ये था कि 0 to 45, 45 to 90, 90 to 135, 135 to 180, ऐसे करके था, तो हम और एग्जैक्ट तुक्का मारना चाहते थे, या हमारा इच्छा भी था कि हम और एग्जैक्ट तुक्का मारें। तो सोचिए 0 से 1 के बीच में जब स्लोप होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में जब स्लोप होता है तो 0 से 45 डिग्री एंगल बनता है, और ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, यानी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, हम ये एग्जैक्टली कह सकते हैं कि 0 से 45 डिग्री के बीच में है, हम ये एग्जैक्टली कह सकते हैं कि 0 से 45 डिग्री के बीच में है। और हम और एग्जैक्ट तुक्का भी मार सकते हैं, जो कि कई कई लोग आप लोगों में से सोच भी पा रहे होंगे कि 30 डिग्री 1/√3 है, वो थोड़ा जा तो 30 से 45 के बीच में है, वगैरह वगैरह, है ना, थोड़ा और एग्जैक्ट तुक्का, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। दूसरे में आप देखिए, ये पहली ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है स्लोप के मामले में, इसे मैं बार बार बोलूँगा, आपको याद हो जाएगा, याद रखने की कभी चिंता ना करें, हमेशा ये चिंता करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, या आपको याद हो जाएगा, चीज़ें इतनी बार गुजरेंगी, इतनी बार घटेंगी कि जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा। देखिए, अगर हमारा स्लोप, हमने सीखा अभी तक कि अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में है, ये हमने सीखा। एक और ज़रूरी बात, इस ज़रूरी बात से भी हमारा काम चलेगा, इसके बाद एक और ज़रूरी बात जो हमें अपने ध्यान में रखनी है, जिस पे हमें लगातार नज़र रखना है, वो क्या है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये टेन थीटा का ही ग्राफ है और टेन थीटा ही स्लोप होता है, तो ये स्लोप का भी ग्राफ है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है, और ये ग्राफ टेन थीटा का है, टेन थीटा ही स्लोप होता है, तो यहाँ पे ये ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है, यानी टेन थीटा बढ़ रहा है, यानी यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, यानी 0 से 90 के बीच में जैसे ऐसे एंगल को बढ़ाएंगे ग्राफ बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, यानी 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्लोप भी बढ़ेगा। 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा वैसे ही हमारा टेन थीटा भी बढ़ेगा, वैसे हमारा स्लोप भी बढ़ेगा। लेकिन 90 से 180 के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा आप सोचें कि 90 से 180 के बीच में क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। देखिए ये माइनस इन्फिनिटी है, फिर उसके बाद कभी ना कभी ये ज़ीरो हुआ, कोई चीज़ इतना नेगेटिव था कि हम उसे नाप भी नहीं सकते थे, उससे कम से कम ज़ीरो हो गया तो बढ़ ही गया ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ग्राफ बढ़ रहा है। यानी आप ये बात दिमाग में रखें, आपको बार बार इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बात दिमाग में रखें कि एंगल जब भी बढ़ेगा, एंगल जब भी बढ़ेगा स्लोप हमेशा बढ़ेगा, और एंगल जब भी घटेगा स्लोप हमेशा घटेगा। एंगल जब भी बढ़ेगा स्लोप हमेशा बढ़ेगा, और एंगल जब भी घटेगा स्लोप हमेशा घटेगा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव स्लोप 0 से 90 डिग्री के बीच यानी एक्यूट एंगल, नेगेटिव स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल।
ये पहली बात है, ये दोनों एक ही बात है। आप ऐसा ना समझें कि ये दो बातें हो गई, ऐसे करके ना याद रखा करें, आप जनरलाइज करें चीज़ों को। स्लोप अगर पॉजिटिव है एक्यूट एंगल है, स्लोप अगर नेगेटिव है ऑब्ट्यूस एंगल है, पहली बात हमने ध्यान में रख ली। और दूसरी बात हमने ये ध्यान में रख ली कि जब भी एंगल बढ़ेगा स्लोप हमेशा बढ़ेगा। और एंगल नापते कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक्सिस के साथ एंगल नापते हैं, ये कन्वेंशन है। तो इतनी बातें अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा ये स्लोप का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने स्लोप के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, स्लोप को हम अच्छे से समझ गए। और स्लोप को समझना 11th क्लास में एंट्री का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि स्लोप हमारे जीवन का हिस्सा होने वाला है। ठीक है, स्लोप के बारे में दो बातें जो मुख्य रूप से एकदम इम्पॉर्टेंट है कि स्लोप जब पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनाता है, स्लोप जब नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। ये उल्टा भी सही है कि स्लोप कोई लाइन अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हो यानी उसका स्लोप नेगेटिव है, और कोई लाइन अगर एक्यूट एंगल बना रहा हो तो उसका स्लोप पॉजिटिव है। और दूसरी बात कि जब भी एंगल बढ़ेगा स्लोप हमेशा बढ़ेगा, जब भी एंगल घटेगा स्लोप हमेशा घटेगा। ये सारी बातें अगर हम याद रखें तो हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, तो चलिए स्लोप पे एक चीज़ और कर लेते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के बीच जो एंगल बनेगा उसमें क्या रिलेशंस होंगी ये हम। तो यहाँ फिर से हम एक फॉर्मूला मानने वाले हैं कि ये फिर से हम पढ़ लेंगे, ये हमारे जीवन का हिस्सा होगा, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये कुछ दिनों की बात है, मुश्किल से एक दो दिन और उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से ले आए, कहाँ से उठा के ये हम ले आए, कैसे आ गया। और आप लोग टेंथ में इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते ही होंगे, टेंथ के किताबों में चुपके से इस फॉर्मूला को लिख दिया जाता है पर वो बताते नहीं है कि ये कैसे आया, इसमें बस क्वेश्चंस बना करके दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने इसे देखा नहीं है, आपने टेंथ में इस फॉर्मूले को देख रखा है। तो चलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है एंगल्स बिटवीन द लाइंस। मैं टॉपिक का नाम बस इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के नाम को देखिए, इससे सिंपल कोई नाम पॉसिबल नहीं है। एंगल्स बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के बीच जो एंगल बनेगी हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि एक लाइन है ये और एक दूसरा लाइन है ये, और इसके बीच जो एंगल बनने वाला है ये हम मान लेते हैं थीटा। हमें इसी थीटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। इसका एंगल हमें पता है, और जाहिर सी बात है हमें एंगल पता है तो हमें स्लोप पता है। इसका एंगल हमें पता है, इसको हम मान लेते हैं थीटा वन, और इसका भी एंगल हमें पता है, इसको हम मान लेते हैं थीटा टू। देखिए हमने एंगल सही तरीके से माना है, मैं एरो भी बना दिया कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसे ही मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक्सिस के साथ एंगल्स को मानते हैं। तो देखिए ये थीटा वन हो गया, ये थीटा टू हो गया। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो लिख सकते हैं कि इसमें अगर हम लगाएं बाहर के एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है ना, तो लिख सकते हैं कि थीटा प्लस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चाहे तो आप आराम से इसे एक्स मान लें, फिर ये जोड़ें तो 180, तो इधर भी जोड़े 180, वो करते थे हम लोग 9 में, तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। पर हमारा इंटरेस्ट तो थीटा है ना, हमारा इंटरेस्ट तो पूरा थीटा में है, हमें तो थीटा वन और थीटा टू पहले से पता है कि नहीं। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन। और यहाँ पे हमें प्लस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत है, कुछ नहीं माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस कर देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा थीटा बन गया, पर हमें एंगल से बात नहीं करनी। एंगल के लिए तो अब आराम से निकल गया कि ये एंगल अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए कि अगर 70 डिग्री है तो ये 10 डिग्री बीच में बन रहा होगा, एंगल तो हम बड़ी आराम से निकाल लिए।
पर हमें एंगल आमतौर पे पता नहीं होता है, हमें पता होता है स्लोप। तो हम क्या करते हैं, इसके स्लोप को मान लेते हैं m1, क्योंकि यही हमें पता होगा। थीटा वन तो हम आसानी के लिए लिख रहे थे, पर हमें पता स्लोप होगा, तो इसे मान लेते हैं m1 और इसे मान लेते हैं m2। ऐसा m1 और m2 में हम अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप के लिए यहाँ टैन लेंगे दोनों तरफ, तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे यहाँ हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा 2 माइनस थीटा 1। आप ऐसा ना सोचें कि ये टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि आप टैन पूरे का लेंगे एक साथ, आप पूरे का टैन करेंगे, क्योंकि उधर भी आपने पूरे का टैन किया तो यहाँ भी पूरे का करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये हमने ऐसा किया, और ये टैन कोई मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर दें कि कॉमन निकाल दिया और कुछ वैसा कर दिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो एक अलग ही फंक्शन है, वो चीज़ों को अलग ढंग से करता है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो खैर ये कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए टैन ए माइनस बी का हम इस्तेमाल करें तो लिख सकते हैं टैन थीटा 2 टैन ए माइनस टैन बी माइनस टैन थीटा 1। ये आप खुद से पहले पहले प्रिडिक्ट करते चलें, आप मेरे पहले चलें, ठीक है। इसको पढ़ते वक्त जब भी मैं कुछ डिराइव करने लगूं आप मेरे पहले चलें, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, ये बड़ी आसान बातें हैं, ठीक है। और बाय 1 प्लस टैन थीटा 2 इंटू टैन थीटा 1, ये आ गया टैन थीटा पर टैन थीटा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो एंगल तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे टैन थीटा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमें थीटा 2 नहीं दिया हुआ था, हमें तो स्लोप दिया हुआ था, तो टैन थीटा 2 तो m2 हो जाएगा ना, तो ये लिखेंगे m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 या m1 इंटू m2, तो 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हम करेंगे। और ये जो फॉर्मूला आया इससे हम कुछ कुछ चीज़ें निकालेंगे अपने काम के लिए। हम तो पहले इसे चेक करेंगे, जो बातें हम जानते हैं उससे पहले इसे चेक करेंगे, और एक काम की बात बस इसे डिराइव करेंगे, और बाकी हमारे मैथमेटिकल टूल्स में ज़्यादा काम का नहीं है, ये ज़्यादा काम तब है जो लोग मैथ लेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में इससे इससे बस एक काम है, वो हम इससे निकाल लेंगे। पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये सही दे रहा है कि नहीं, अगर ये सही दे रहा होगा हमारा चेक सही बैठेगा तो हम इससे बस एक पॉइंट निकालेंगे और फिर इसको भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे फिर ज़्यादा काम का नहीं होगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए कि ये लाइन अगर ज़ीरो बनता, ये एंगल अगर ज़ीरो बनता, ठीक है, सॉरी ये एंगल अगर ज़ीरो बनता तो ये लाइंस पैरेलल होते। एंगल ज़ीरो बनने का मतलब क्या है कि लाइंस पैरेलल होते, और पैरेलल होते तो क्या होता, स्लोप ज़ीरो, स्लोप दोनों का बराबर होता। तो हम यहाँ 0 डिग्री पुट कर देते हैं, क्योंकि ये थीटा जैसे ही ज़ीरो होगा ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल लाइंस का स्लोप पक्का इक्वल आना चाहिए। हम देखते हैं ऐसा ये करता है कि नहीं, अगर ये कर रहा है तो हम कुछ सही लाए हैं, नहीं कर रहा तो हम फिर इस पे दोबारा सोचेंगे। तो देखते हैं, हम इस थीटा की जगह 0 डिग्री रख देते हैं, तो 0 हो गया, तो चलिए उधर करते हैं। 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये लिखते हैं, और आपको पता है कि उधर चला जाएगा, है कि नहीं, तो ये 0 हो गया। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0 और m1 इज इक्वल टू m2। ये तो हमने पहले ही सोच लिया था कि अगर लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो उन लाइंस को पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल होने के लिए स्लोप इक्वल होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और वो आ गया। यानी कि जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये बिल्कुल सही आ रहा है, और ये फॉर्मूला सारे एंगल्स के लिए यूज हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं एंगल कितना बनेगा तो रख देंगे। हमें एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि उससे 60 डिग्री एंगल मिले, तो हम यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री और यहाँ पे दूसरे लाइन का स्लोप रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पर ये फिजिक्स में उतना भी काम आने वाला नहीं है। मैथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिजिक्स में हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। हमें फिजिक्स में ज़रूरत ये पड़ेगा कि कब ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है, ज़्यादा ज़रूरत, कब ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है। तो सोचिए हम वहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे, और जैसे ही 90 डिग्री पुट करेंगे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जब भी आपको मिले आप उसे हमेशा 1/0 लिख लें, यानी इस बार नीचे को 0 होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो आप जानते हैं 2/0 लिखें, वो भी नॉट डिफाइंड है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, पर नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, 0। अगर इसका इस एंगल को 90 डिग्री होना है, तब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल को 90 डिग्री बनना है,
तब, तो इसको 1/0 होना पड़ेगा और इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये रख देते हैं, 1 + m1 × m2 = 0, m1 × m2 = -1 और m2 = -1/m1, -1/m1। ये बात आप हमेशा याद रखें कि दो लाइंस को अगर पैरेलल होना है, यही इसी के लिए हमने इतना लफड़ा किया है कि ये बात हम समझ सकें, और ये बात तो खैर हम ऐसे भी सोच सकते थे, दो लाइंस को अगर पैरेलल होना है तो उनके स्लोप्स को बराबर होना होगा। हम समझ सकते थे, हम जानते थे, हम आराम से सोच लेते, ना भी जानते तो भी। पर दो लाइंस को अगर परपेंडिकुलर होना है तो उन दोनों के स्लोप्स को नेगेटिव रेसिप्रोकल होना पड़ेगा। मैं अगर आपसे कहूं कि एक लाइन का स्लोप 2 है, ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल, एक लाइन का स्लोप 2 है, अगले वाले लाइन जो इससे परपेंडिकुलर है उसका स्लोप बताइए, आप नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किए 1/2, नेगेटिव लगा दिया -1/2। अगर किसी लाइन का स्लोप 1/4 है, इससे नेगेटिव में लाइन चाहिए, इससे परपेंडिकुलर में लाइन चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल 4 है और नेगेटिव लगा दिए -4, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगे। अगर एक का स्लोप 1/4 है तो अगले वाले का -4 होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो कभी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना है तो उन दोनों के स्लोप्स को नेगेटिव रेसिप्रोकल होना पड़ेगा, और ये बातें बार बार आती रहेंगी। तो इतनी सी बात है इस स्लोप सेक्शन में, चलिए इसके आगे देखा। हमने स्लोप के कंसेप्ट को पूरी तरह देख लिया, दो लाइंस को पैरेलल होने के लिए जाहिर सी बात है कि उनका स्लोप बराबर होना चाहिए, और दो लाइंस को अगर परपेंडिकुलर होना है तो उनके स्लोप्स को नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये बातें हमने समझ ली, और अब चलिए हम अलग अलग तरह के फिगर्स पढ़ते हैं, दुनिया भर के फिगर्स पढ़ते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। ये हमारे आसपास मौजूद होते हैं और इनके इक्वेशंस पैटर्न्स बहुत खूबसूरत हैं, और ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारे साथ आएगा वो है स्ट्रेट लाइंस। अब सोचिए कोई स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब कोई लाइन ऐसा होता हो कि वो या तो दो पॉइंट दिया हुआ होता हो या एक पॉइंट या स्लोप दिया हुआ होता हो। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, जो भी पॉसिबल तरीके हैं सारे देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर पॉइंट लिखना चाहूँ, ठीक है, पॉइंट लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा कोऑर्डिनेट में, मैं लिखूँगा जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 3, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं, ये लिखा हुआ, इससे आप समझ गए कि अच्छा 2 इधर आना है और 3 इधर आना है। तो पॉइंट देने का ये एक तरीका है, पॉइंट देने का ये एक तरीका है, लेकिन हम इसको पॉइंट को लिखने का और भी तरीका होता है कोऑर्डिनेट में, जिसे एक कहते हैं इंटरसेप्ट। अब ये सब इंग्लिश वर्ड है, ये सब का मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है आप कितना काटते हैं, आप कितना घेरते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार कूदा और मैं 30 सेंटीमीटर कूद गया, मान लीजिए मैं 30 सेंटीमीटर कूद गया तो बोलूंगा मैं कि मेरा इंटरसेप्ट 30 सेंटीमीटर है। एक लाइन ऐसे आकर के गुजर गया, वो आया एकदम लाइट के स्पीड से गुजर गया, तो मैंने देखा कि अरे ये यहां से 10 मीटर दूर गुजरा और यहां से 2 मीटर दूर गुजरा, तो मैं कहूंगा कि इसका वाई इंटरसेप्ट 10 है और एक्स इंटरसेप्ट 2 है। एक्स इंटरसेप्ट को जनरली हम लोग कभी ए मान लेंगे और वाई इंटरसेप्ट को कभी कभी बी मान लेंगे, कभी वाई इंटरसेप्ट को सी मान लेंगे, वो तो मानते रहेंगे हम, पर बात तो वही रहेगी ना, बात तो वही होगी कि ऑरिजिन से जितना दूर पे वाई को काट रहा है वो वाई इंटरसेप्ट, और ऑरिजिन से जितना दूर पे एक्स को काट रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट, और ये सारी बातें हैं। तो इंटरसेप्ट है कि आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, आप कितना घेर रहे हैं, आप कितना कवर कर रहे हैं एक तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं इंटरसेप्ट। और ये लिखने का जरूरी, और ये लिखने का एक तरीका है पॉइंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि वाई इंटरसेप्ट 20 है, वाई इंटरसेप्ट 20 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बस इतना हुआ कि ऑरिजिन से 20 सेंटीमीटर दूर घेरा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर दूर कोई लाइन गुजर रहा है। तो सोचिए अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो क्या इसे आप 0.20 नहीं लिख सकते हैं, आपको पॉइंट पता चल गया ना। मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट 5 है,
सोचिए, पॉइंट गेस करिए, 5.0 नहीं, हमेशा 0.5 करने की जरूरत नहीं है, 5.0 होगा ना, क्योंकि x पहले लिखते हैं और फिर बाद में 0 y को लिखते हैं। तो ये अगर 5 होता, ठीक है, तो ये हो जाता 5.0, इसे मैं 20 कर दे रहा हूँ और ये 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 5.0। तो ये इंटरसेप्ट के कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें काम आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब लाइन्स के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला इक्वेशन वो पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था y=mx+c, उसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी वो फॉर्म जिसमें हमें स्लोप दिया हुआ रहेगा, स्लोप m के रूप में दिया रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो ऐसा कोई लाइन जिसका y इंटरसेप्ट c है, वैसा कोई लाइन जिसका y इंटरसेप्ट c है और उसका स्लोप मान लीजिए m है, मैं यहां एंगल नहीं लिख रहा, एंगल का tan थीटा लिख रहा हूं जो स्लोप है, वैसा कोई लाइन जिसका y इंटरसेप्ट c है और उसका स्लोप m है, उस लाइन का अगर हम इक्वेशन चाहते हैं, अगर हम पैटर्न चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। तो सोचिए इसके लिए फिर से हमें उस लोकस वाले डेफिनेशन पे, कि कोई तो ऐसा तरीका रहा होगा जिससे ये लाइन बना, हम अगर उस तरीके को ढूंढ लें, उस पैटर्न को ढूंढ लें और उसको मैथमेटिक्स में कैद कर लें तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगा ना। तो क्या है वो पैटर्न? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल पॉइंट का जुगाड़ करते हैं, हम एक ऐसा घुमक्कड़ पॉइंट का जुगाड़ करते हैं जिसका काम बस इधर उधर घूमना है, लेकिन वो जब घूमता है तो एक पैटर्न को ध्यान में रखता है और वो इस लाइन को बनाता है। तो चलिए उस घुमक्कड़ पॉइंट को हम लोकस का पॉइंट नाम देते हैं और उसको बोल देते हैं x, y, px, y। यही वो px, y घुमक्कड़ पॉइंट है जिसने घूम घूम के ये लाइन बनाया है, ये हर जगह घूमा है और हम ये निकालने निकले हैं कि कैसे ये घूमा है, किस पैटर्न में घूमा है, ये हमें निकालना है। तो सोचिए कि मान लीजिए ये पॉइंट है x, और ये इंटरसेप्ट c है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 0, c। तो हमने निकाला था स्लोप का फॉर्मूला कि स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1, ये हमने निकाला था। तो देखिए ये एक पॉइंट है और मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का तो स्लोप होगा ना। तो मैं स्लोप लिखता हूँ, तो लिखूंगा पहले y2 - y1, अब किसी को भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं मान रहा हूँ y - c, y2 - y1 / x - 0, ये हो गया y2 - y1 / x2 - x1, पर इससे मिलेगा क्या स्लोप, और स्लोप तो यही होगा ना m, तो ये बराबर हो गया m, और इससे जो आया y - c = mx, ये कैसे हो गया x - 0 x, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और बचा y = mx+, और ये है लाइन का इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है जो हमारी किताबों में 9-10 में भी लिखा होता है, और यही वो इक्वेशन है जिससे हम कुछ भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एक लाइन है x - y = 5, x - y = 5, तो इस लाइन को देख के हमें कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें y = mx+c के टाइप में लिख दें तो हम इससे बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि y अपना एक किनारे चला जाता है और x और कांस्टेंट को एक तरफ भेज देता है, वो बोलता है कि तुम भाई तुम लोग उधर रहो, मैं अकेला रहूँगा। तो y तो यहाँ अकेला नहीं है ना, वो तो x के साथ है, तो x को ये बोलेगा कि भाई तुम उधर चले जाओ। तो ऐसा करते हैं y को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा y = x - 5, आप इस इक्वेशन से इसे कंपेयर कीजिए y = mx+c, यानी m यहाँ कितना है 1, यानी ये एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप 1 है, और 1 स्लोप अच्छा 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 5 नीचे है। मतलब ये लाइन का अगर हम ग्राफ भी बनाना चाहें ना, अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो 5 नीचे है और 45 डिग्री का, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका आर पार, ठीक है। इस तरह से हमें सारी बातें इसके बारे में पता है। अब हम ऐसे कंपेयर करके सारे लाइंस का
स्लोप भी निकाल सकते हैं और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। पर सोचिए कोई लाइन अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 4y, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3y 4x, इसका स्लोप हो गया 3y 4, पर इसका इंटरसेप्ट क्या? इसका इंटरसेप्ट तो जीरो है ना, और इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब ये कहाँ से गुजर रहा होगा? ऑरिजिन से। तो आपको कभी कोई इक्वेशन दिखे स्ट्रेट लाइन का और उसमें कॉन्स्टेंट टर्म गायब रहे, कॉन्स्टेंट टर्म गायब रहे, तो आप समझ जाइएगा वो पक्का ऑरिजिन से गुजर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म इंटरसेप्ट के बारे में बताता है, और इंटरसेप्ट अगर जीरो हुआ है इसका मतलब ऑरिजिन से गुजर रहा है। और मैंने ये बात अभी आपको स्ट्रेट लाइन के लिए कही, पर मैं आपको अभी ही कह देता हूँ अपने अथॉरिटी पे कि आपको कभी भी किसी भी कर्व से अगर कभी कॉन्स्टेंट टर्म गायब मिले तो आप समझ जाना कि वो ऑरिजिन से जरूर गुजर रहा है। वो हो सकता है बहुत जगह से गुजरता हो, पर वो ऑरिजिन से पक्का गुजर रहा है अगर उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो, और अगर उसमें कॉन्स्टेंट टर्म है तो वो कभी भी ऑरिजिन से नहीं गुजर सकता है, कभी नहीं गुजर सकता है। तो अगर किसी ग्राफ में, अगर किसी इक्वेशन में आपको कॉन्स्टेंट टर्म गायब रहे तो आप समझ जाना कि वो ज़रूर ऑरिजिन से गुजर रहा है, और कॉन्स्टेंट टर्म रहे तो एक बात तो पक्का है, वो कभी ऑरिजिन से गुजरने वाला नहीं है। आप लोग टेंथ में थे, इक्वेशन सॉल्व करते थे, मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं 3x-4y = 0, 5x-6y = 0, मैं बोलूं इसे सॉल्व करें तो हम लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे, इसका ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये वो पूरा लगाएंगे। पर इसको अगर आप अभी सॉल्व करना चाहें तो आपको देखते ही क्वेश्चन आंसर पता होगा, क्यों? इसमें भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ऑरिजिन से गुजरेगा, इसमें भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ऑरिजिन से गुजरेगा, ये दोनों ऑरिजिन से गुजर रहे हैं, यानी ऑरिजिन पे कट करेंगे, और ऑरिजिन पे कट करेंगे तो 0,0 इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन ऑरिजिन ही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों ऑरिजिन से गुजर रहे हैं और दोनों का स्लोप भी बराबर नहीं है, तो ऑरिजिन से गुजर रहे हैं, ऑरिजिन पे ही कट कर रहे हैं, और वही इंटरसेक्शन तो हमें ढूंढना होता है, तो वही इंटरसेक्शन 0,0 हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन या किसी भी ग्राफ में या किसी भी इक्वेशन में अगर कॉन्स्टेंट टर्म गायब है मतलब कि वो ऑरिजिन से गुजर रहा है, और कॉन्स्टेंट टर्म है मतलब कि ऑरिजिन से वो नहीं गुजर रहा, वो कहीं और से गुजर रहा होगा पर ऑरिजिन से नहीं गुजर रहा। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, ये बात एकदम ज़रूरी है, ये हमेशा काम आती रहेंगे। तो हमने पढ़ा एक फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और हमने लोकस के काम करने के तरीके को देखा कि हम एक वेरिएबल पॉइंट चुन लिए जो घुमक्कड़ पॉइंट है, जो घूमते रहता है, पर वो पैटर्न में घूमता है और वो एक नए नए कर्व्स का निर्माण करता है, यहाँ फिलहाल वो स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स का एक और फॉर्म हम देखते हैं जो हमारे ग्राफ बनाने में बहुत काम आने वाली है। ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका अगर मुझसे कभी भी किसी भी क्लास में पूछा जाता है तो मैं हमेशा यही फॉर्मेट उन्हें बता देता हूँ, और आज हम लोग तो इसे डिराइव भी करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं, हमें x इंटरसेप्ट दे दिया जाता है a के रूप में और y इंटरसेप्ट दे दिया जाता है b के रूप में। तो सोचिए ये ऐसे अगर हम लिखें तो होगा क्या कि ये पॉइंट हमें पता चल गया, इंटरसेप्ट पता है, नहीं पॉइंट पता है, इंटरसेप्ट पॉइंट देने का एक तरीका है, तो ये हो जाएगा a कोमा 0, ये हो जाएगा 0,b, जाहिर सी बात है। और फिर से लाइन तो बना, कौन बनाया? एक घुमक्कड़ पॉइंट बनाया लोकस, तो उस पॉइंट को हम लोग मान लिए px,y। अब हम इसमें देखेंगे कि किस पैटर्न में लाइन बना, तो पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, ये लिखेंगे तो हो जाएगा y-b/x-0, x ही रहने देते हैं, और फिर इससे स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा 0-b, ठीक है, यानी माइनस बी, और a-0 हो जाएगा a, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0-b-b हो जाएगा, मान के चले हम लोग, है ना, मान के चले क्या होगा ही, पर वो हटा लिया मैंने वहीं पर से, ठीक है, स्टेप्स बचाए हैं, ay-ab = -bx, ay-ab = -bx, तो हो जाएगा ay+bx, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, = ab। यही लाइन का इक्वेशन है, पर मैथमेटिक्स के जानकारों ने, आसान करने वाले लोगों ने, पैटर्न देखने वाले लोगों ने इसे और आसान कर लिया।
इसे बड़ी खूबसूरती से लिख दिया। उन्होंने क्या किया कि ए बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। इक्वेशन यही है, सेम चीज़ हम लोग रहने वाले हैं, पर हम लोग और आसान कर लेंगे। अब वो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये ए और ए चला जाएगा, यहाँ पे बी और बी चला जाएगा, यहाँ ए बी चला जाएगा, तो बचेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। और ये आप ध्यान रखें कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का कभी आपको ग्राफ बनाना पड़े तो आप इसी इक्वेशन का यूज़ करें। हम भी अभी देखेंगे इसको यूज़ करके। तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, कैसे ये ग्राफ बनाने में मदद करता है वो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, 3x plus 2y is equal to 6, 3x plus 2y is equal to 6। मान लीजिए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अच्छी बात है। इसका हमें ग्राफ बनाने के लिए कहा गया, पता दिखाना पड़ रहा है कि ये ग्राफ कैसा दिखता है, ये इक्वेशन, ये पैटर्न हमें कैसा दिखेगा ग्राफ पेपर पे, ये हमें बनाना है। हमने कहा ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये तरीका हमें दिखा क्योंकि ये बेस्ट तरीका है ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने ये देखा कि अच्छा एक्स और वाई एक तरफ होते हैं और इस तरफ को एक कॉन्स्टेंट होता है। तो हमने देखा कि अच्छा इसमें तो है ऐसा कि एक्स और वाई एक तरफ है और कॉन्स्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट हमेशा वन होना चाहिए, ये भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ तो कांस्टेंट वन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे इसे सिक्स से डिवाइड कर देंगे। सिक्स से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन। अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट टू है, वाई इंटरसेप्ट थ्री है, तो ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है, टू अगर थ्री है तो ये हो गया हमारा ग्राफ, सही से यही हमारा ग्राफ हो गया, यही हमारा काम हो गया। तो ये बहुत आसानी से हमारा ग्राफ बनाने में मदद करता है। यहाँ अगर मैं बीच में माइनस कर देता तो आप यहाँ प्लस ही रखते क्योंकि यहाँ प्लस है, आप इसे माइनस कर देते तो फिर वाई इंटरसेप्ट माइनस थ्री हो जाता तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता। तो ये सारी बातें होती रहेंगी, ये सारी बातें की जाएंगी और ये सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ बनाने का और चीज़ों को देखने का। तो ये है इस फॉर्म का नाम है, ये फॉर्म हमने जो देखा इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इंटर क्योंकि इसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है तो इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसे वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसी तरह ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें हुई। जो लोग मैथ्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, बस मैं अभी चल रहा हूँ और तरीका वही रह जाने वाला है और मुश्किल से हमारा 5 मिनट समय लेने वाला है तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। पर चाहें आप तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिजिक्स में ये बहुत कम काम आएगा, बहुत अच्छे सवाल अगर हम बनाएंगे तो ये कभी कभी काम आ जाएगा, बाकी इसके काम आने की संभावना बहुत कम है। तो एक जो है उसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तरीके वही हैं, देख लेने में कोई बुराई नहीं है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये क्या होता है कि हमें एक पॉइंट दिया रहता है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, हमें एक पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा। देख लेते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, इस लाइन का मान लीजिए स्लोप m है और ये हमें पॉइंट दिया हुआ है x1, y1। पर ये अकेला पॉइंट या अकेला स्लोप मिलके तो लाइन बनाया नहीं, एक घुमक्कड़ पॉइंट रहा होगा, तो घुमक्कड़ पॉइंट का हमने नाम दे दिया px, y। यही वो घुमक्कड़ पॉइंट है जो, यही वो शरारती पॉइंट है जो घूम घूम के लाइन बना रहा है और हम उस लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इसको इससे इसका स्लोप निकाला, तो लिखेंगे y-y1 / x-x1 और ये स्लोप जाहिर सी बात है कितने के बराबर होना चाहिए, m के बराबर। तो यही हो गया हमारे लाइन का इक्वेशन। आप सोच रहे होंगे कि तो अजीब दिख रहा है, ये ऐसा अजीब दिखता है पर ये सॉल्व होने पे थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, तो 2, 3 मान लीजिए हमारा पॉइंट और मान लीजिए हमारे जो स्लोप है वो 2 है, मान लीजिए स्लोप 2 है, तो हम यहाँ रखेंगे y-y1 का वैल्यू कितना है 2 की 3, तो y बाद में लिखा रहता है, ये सब गलतियाँ होती हैं कभी कभी करते करते, तो ये आप ना करें। तो y-3 / x-2 और ये स्लोप है 2, तो देखिए इसे लिखेंगे तो y-3 = 2x-4 और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y-2x और ये सब को इधर ले आइए
तो -3 + 4 + 1 = 0। देखिए वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिखा करता था। तो ये ऐसे देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लगता है कि खासतौर पे पुराने में जब हम लोग वो चीज़ पढ़ते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है, पर जब ये सॉल्व होता है तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है और ये आसान सा दिखता है। तो इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और अगला जो है उसका नाम है टू पॉइंट फॉर्म। जो लोग पैटर्न को समझ चुके हैं वीडियो को यहीं पे पॉज करके फिर से निकाल लें, एक बार अपने से निकालें और देखें कि आपका मैच करता है आंसर कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस बार दो पॉइंट पता हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, और इस बार हमें स्लोप पता नहीं होगा। लेकिन फिर से केवल दो पॉइंट से तो कोई लाइन कभी बना नहीं है, कभी बनता नहीं है, सारे पॉइंट्स रहे होंगे। हमने उस घुमक्कड़ पॉइंट का नाम दे दिया px, y। स्लोप निकालेंगे तो लिख सकते हैं y - y1 / x - x1। ये हम वो Δy / Δx वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं = अब इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, जो पॉइंट्स हमें पता है उससे स्लोप निकालेंगे, तो हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1। और यही है लाइन का इक्वेशन। फिर से वही सब बात, जैसे ये अजीब लग रहा है वैसे ये अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे ये सिंप्लीफाई हो जाता है वैसे ही बाद में ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है। ये इसी टाइप का कोई इक्वेशन आपको सॉल्व करने पे दिखेगा। तो इस पे सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइंस पे जितनी चर्चाएं हो सकती थी वो हमने कर ली हैं, हमने बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही चर्चा कर ली है कि कभी हम फंस नहीं सके और सिलेबस हमारा स्मूथ चले। सर्किल, एलिप्स, पाराबोला वगैरह पे चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात अगले दिन।